वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने शाही मस्जिद वाक़े पब्लिक गार्डन नामपली का बाद नमाज जुमा दौरा करते हुए मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा मस्जिद के इमाम खतीब हसन अमूमी, वक्फ बोर्ड ऑफिसर्स और इंजीनियर्स भी मौजूद थे। मोहम्मद सलीम ने मस्जिद में जारी रेनोवेशन के कामों का जायज़ा लिया और बताया कि वक्फ बोर्ड के फंड्स की जानिब से ये काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इसका खिदमत का एक मौका मिला हमारे को, हमारे जवाद साहब, इमाम साहब यहाँ के जो है इनकी भी मेहनत है, और हमारे सीईओ साहब, हमारा बोर्ड के मेंबर्स और गवर्नमेंट केसीआर साहब के सपोर्ट से हम लोग सब मिलकर जो है ये मास जो है ना एक सेंटर में हैदराबाद के, इसको इंशाल्लाह ताला ओल्ड सिटी न्यू सिटी सब टच है इसको, तो यहाँ पर हर तरह के लोग चौ तरफ से आते हैं, यहाँ पर पूरे सिटी से, यहाँ पर सेंटर है सिटी का, तो अल्लाह के करम से सब लोग यहाँ पर नमाज होती है, और ये अल्लाह के घर के लिए जो है ना सब मिलकर इस पर आगे बढ़ के जो है ना मेहनत करके काम कर रहे हैं, और अल्लाह के करम से जो आर्किटेक्ट साहब है हमारे जवाद मुल साहब जिसको चॉइस करें वो भी जो है ना बहुत ईमानदार दिख रहे हैं वो भी, और इसको जो है ना जितने भी पैसे लगे इंशाल्लाह ताला मस्जिद एक खूबसूरत मस्जिद बनेंगी, इंडिया में नंबर वन मस्जिद दिखेंगी अल्लाह चाहे तो है, क्योंकि अल्लाह का घर है, इसको कितना भी करे कम है अपने को, अपनी कोई हैसियत नहीं है, और अपने से अल्लाह भी एक काम ले रहा इंशाल्लाह ताला, हमारे बोर्ड से, सीईओ से, हमारे सब मेंबर्स वगैरह, गवर्नमेंट केसीआर साहब, केटीआर साहब की सबकी सपोर्ट से जो है ना हम लोग एक अच्छा जो है ना यहाँ पर एक मस्जिद बनेंगी, और सबकी सहूलत होंगी, यहाँ पर टॉयलेट्स भी जो है ना अपन अपने घर में कैसे रहते अच्छे टॉयलेट रहते हैं, अपन मस्जिदों के टॉयलेट अक्सर ये रहता, मगर हम इसको अच्छे से अच्छे टॉयलेट बनाएंगे, एकदम साफ़ सुथरे, एकदम नीटनेस रहेगा, और मेंटेनेंस बनाने से नहीं है, बनाने के बाद भी उसका मेंटेनेंस भी जो है गवर्नमेंट अच्छे से देखेंगी इंशाल्लाह ताला, और यहाँ पर जो हो सकता हमारे से वक्फ से और गवर्नमेंट से हम लोग सब मिलके एक टीम वर्क करके मस्जिद को इंशाल्लाह ताला सेंट्रल एसी का भी इसको ये करेंगे हम लोग, और रमज़ान से पहले इंशाल्लाह ताला मस्जिद कंप्लीट करने का हम लोग बीड़ा उठाए हैं, और ये अल्लाह का घर है, जैसा अपने घर को अपन टाइम देते इसके लिए जो है ना मस्जिदों के लिए जो है ना लोग बहुत कम ये करते, मगर हम सब मिलकर जो है ना अल्लाह के घर को अच्छे से अच्छा नीट रखेंगे तो अपने घर भी आबाद रहेंगे, अपना घर भी अच्छा रहेगा, अल्लाह अल्लाह चाहे तो हम लोग आइंदा जुम्मे से जो है ना पर काम भी चालू करा देंगे अल्लाह चाहे।